गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज प्लांट्स एंड ट्रीज एज पर अवर स्कूल एंड बारस मंस। प्लांट्स एंड ट्रीज टाइप्स कितने हैं, उनके यूजेस क्या है और टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज। हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, वाइल्ड प्लांट्स और वीड और ग्रास, वाटर प्लांट्स। इनसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स ये क्या है, कौन कौन से? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, हर्ब्स एंड शर्ब्स, वाइल्ड प्लांट्स, वीड और ग्रास और वाटर प्लांट्स। इनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, वाटर प्लांट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब जो क्लाइंब करते हैं, जिसको सपोर्ट चाहिए बढ़ने के लिए। क्लाइंबर्स प्लांट हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, स्टेम होता है तना उनका, बहुत सॉफ्ट होता है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए। इसके राजमा कुल्च लगा हुआ, इस मटर कुल्च लगा हुआ, मनी प्लांट सुशन पाने डंड कुछ सपोर्ट, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट है हमारे पास, पी प्लांट और बीन प्लांट, मटर कुल, राजमा कुल वो तुम वारन मज तक डंड त्रे सह इर्द गिर्द बढ़ान तो पे तथा फल नेरा। यम गए क्लाइंबर्स, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। नेक्स्ट अस पे क्रीपर्स, क्रीपर्स गो क्रीप कर। क्रीपर प्लांट हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, अमिक पा सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, लगे अमुक फल बोड हेक सपोर्ट पे रूज कम पक जमीन पे पाने पाने, दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, वो ग्राउंड के सीधे सीधे ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं। इनकी एग्जाम्पल है पम्पकिन, गो अलकुल पथराल याशिर पे वन कद्दू, वाटर मेलन गो तरबूज, मस्क मेलन गो खरबूज। इनका ये फ्रूट बहुत हैवी होता है, उसकी वजह से हम इनको सपोर्ट नहीं दे सकते, ये क्रीप करते हैं जमीन पर, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, अवश्य क्रीपर्स वना। नेक्स्ट गो हर्ब्स, गो लकड़ लकड़ घास सॉफ्ट स्टेम। हर्ब प्लांट्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन कलर स्टेम, देयर लीव्स फ्लावर सीड्स आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड, मसाल वगैरह त्रावने जो हम खाना खाते उसको टेस्टी बना देता है। कुकिंग मेडिसन में भी यूज होता है एंड परफ्यूम्स में होता है यूज, इनका यूज टाइप्स ऑफ हर्ब्स में, जैसे कोरिएंडर को धनिया दाए वाल से यह हर्ब, अच्छे सॉफ्ट स्टेम सॉफ्ट जो नजर भी आ रहा है। स्पेनिश गो पालक, मिंट गो पुदन, पुदन से चटनी बनावा सब्जी त्रावा टेस्टी बनावा, बेची मेडिसन यूज कर। शर्ब, शर्ब इज अनदर टाइप ऑफ प्लांट, स्मॉल प्लांट है ये। शर्ब्स हैव मेनी ब्रांचेस एंड दे ग्रो नियर टू द ग्राउंड, ये जमीन सी थोड़ा हर कौन खसान बेचा टहनी आसान, दियर स्टेम इज वुडी होता है, थोड़ा हार्ड होता है, डजेंट हैव मेन ट्रंक नहीं होता, उनका स्टेम थोड़ा हार्ड होता है, दे आर स्मॉलर देन ए ट्री, ट्री से छोटे होते हैं ये। ट्री गो वारे बोर्ड कुला प्लांट पौधा थोड़ा ट्री खोत लकुट पहन। कॉटन प्लांट एग्जाम्पल फम्ब यहां रोज गो गुलाब, ममस प्लांट पोशकुल, ये भी ये मिलता है बगीचों वगैरह में। वाइल्ड प्लांट्स, वाइल्ड गो जंगलन में उगन घास वगैरह जो होती है, वाइल्ड प्लांट्स ग्रो नेचुरली फॉर मेनी ईयर्स और इनकी बहुत एज होती है, दे डू नॉट नीड एनी पर्सन टू टेक केयर, खुद ही बड़े होते हैं, इनको पानी वगैरह की जरूरत नहीं होती, वो एटमोसफेयर से खुद ही ले लेते हैं वाटर, जमीन से ले लेते हैं। वाइल्ड प्लांट्स कैन बी ग्रास ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल बेनियन ट्री गो बरगद, ग्रास जो उगती रहती है हर जगह। पेरीविंकल प्लांट इज अनदर टाइप ऑफ वाइल्ड प्लांट। वीड्स, वीड्स गो अनवांटेड ग्रास, इस पाने हर कुछ जाए यह बेस कुल जाय रटा तमिक न्यूट्रिशन तिवान। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स एंड कैन ग्रो एनीवेयर, दे कैन बी फाउंड इन पॉट्स, लकट लकट जो छोटे गमले होते हैं मटके वगैरह उनमें, गार्डन गए बगीचे, ऑन फार्म इम से कड़ने ते ताकि उस मेन कुल उगे असल पट। दे ग्रो वेरी फास्ट एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अदर प्लांट, वो दूसरी प्लांट की जगह ले लेता है और वहाँ उसका न्यूट्रिशन भी ले लेता है। डेंडिलियन, पॉइजन आईवी, मिल्क थिसल, जो ये डेंडिलियन हंद कुल ह्यूज मिल्क खेवान तेज। वाटर प्लांट गो जो पानी में उगते हैं, वाटर प्लांट्स ग्रो इन वाटर एंड देयर स्टेम स्टे अंडर वाटर, तिमन पिठवी पोर्शन बोझ उनका स्टेम जो तना होता है वो पानी के नीचे ही रह दिखता नहीं है हमें, जैसे लोटस है
डक वीड है और हाइड्रिला ये पानी के एग्जाम्पल है। जैसे प्लांट्स लाइक हाइड्रिला ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर, इनके बिग फ्लोटिंग लीव्स होते हैं जो पानी पे तैरते हैं। अब यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हम यूजेस क्या है इसके, प्लांट्स को फूड के यूज पे करते हैं, खाते हैं, पकाते हैं इसको, वो हवा को क्लीन करते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज करके। उनका यूज परफ्यूम में होता है, जो रोज और जैस्मिन एग्जाम्पल है। फाइबर देते हैं हमें, कॉटन फाइबर देते हैं, जूट फाइबर देते हैं, कोकोनट फाइबर देते हैं। फॉर पेपर एंड वुड, कागज चेस्तनीवा, लकड़ चेस्तनीवा, और सबसे बड़ी बात वो मेडिसिन भी हम प्लांट से बनाते हैं। तुलसी या टर्मरिक एग्जाम्पल है। सबसे पहले यूज है फूड, जैसे फूड के लीव्स, उनके स्टेम, आलू ओलू चेस बनावा, फूड लीव्स के स्पाइनिच चेस बनावा, हाफ चेस खेवा, रूट्स उनके यूज करते हैं खाने में, रेडिश। फ्रूट्स एंड सीड्स दे आल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स। टी प्लांट है, शुगर केन को गन, ऑनियन, राइस, तो किसी को भी बोलने की जरूरत ही नहीं कि हमारा खाना मैक्सिममली प्लांट से आता है। वुड, जो लकड़ी हम जलाते हैं या यूज करते हैं घर बनाने में, पेपर वो भी इन्हीं से आता है। स्पून जो वुडन है, चॉपस्टिक्स, वुडन पेंसिल्स, बैट, फर्नीचर जिसमें डोर चेयर एग्जाम्पल है, ये भी हमें प्लांट से दे देते हैं। मेडिसिन, दवाइयों में अगर मेडिसिन प्लांट्स कौन कौन है, तुलसी है, टर्मरिक, गलेदर, एलोवेरा, कुल छाख का सा, अमिक जूस चीवा यूज करना फॉर स्किन एंड हेयर, आमला, इट्स आमला जूस इज गुड फॉर स्टोमक के लिए अच्छा होता है। आमला कुल छ ना तथा आमला रस चेवान, तुलसी से कथ लगा चास ठीक करना, यूज फॉर कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी में। फाइबर्स अस मिलान, कॉटन फाइबर मिलान, लिनिन फाइबर मिलान, कोकोनट फाइबर, रज बनना यूज लगा, मेट्रस लगे, बे पलो लगा, फम्बस बना। परफ्यूम्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स में आएगा हमारे पास जो परफ्यूम लेते हैं उसमें भी हम रोज जैस्मिन का यूज करके परफ्यूम बनाते हैं। इनकी जो खुशबू होती है ना, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इनको परफ्यूम में डालते हैं। यूजेस ऑफ मेन है क्लीन एयर, प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, दे गिव शेडोज, प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू मेक द सॉइल मोर न्यूट्रिएंटिव। जो ये है, एयर को क्लीन करते हैं पौधे, हमें छाया देते हैं गर्मी में, और जो हमारी ऑयल सॉइल है ना उसको बांध के रखते हैं अपने रूट से ताकि वो इरोजन में बह ना जाए। अब हम इनकी देखभाल कैसे करेंगे, केयर ऑफ प्लांट्स है घर पे। लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स आल्सो नीड वाटर, अदरवाइज दे मे डाई। जैसे हमें पानी की जरूरत है, पौधों को भी जरूरत पड़ती है जैसा आप जानते हो। सो वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, प्लांट्स मेक देयर फूड एंड ग्रो यूजिंग द सनलाइट। आपको पता है ये बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये अपने खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सो मेक श्योर प्लांट्स गेट एनफ सनलाइट, इसलिए उनको सनलाइट पहुंचनी बहुत जरूरी है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, क्लीन देयर लीव्स, उनके पत्ते दो ताकि डस्ट से उनके छेद बंद ना हो जाए, ताकि उनको हवा मिलती रहे। केयर ऑफ प्लांट्स एट पब्लिक प्लेसेस पे, उनकी टेक केयर ऑफ प्लांट्स एट पब्लिक प्लेस लाइक पार्क्स एंड गार्डन्स, डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास हार्शली, उनको दबाओ मत जहां पर घास वगैरह है पार्क में, उनके लीव्स मत तोड़ो, फ्लावर्स मत तोड़ो, ब्रांचेस मत तोड़ो फजूल में, वो मुरझा जाएंगे। डू नॉट स्क्रैच ऑन द राइट, हमें आदत है हम अपनी याद छोड़ने के लिए उसके तनों पर लिखते हैं, पर ऐसा करने से उसको नुकसान पहुंचेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कुछ डाउट रह गया है इस लेसन के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं, और अपने आप का ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, घर पे रखो, और फिर से धन्यवाद आपका।